टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 4 एडवांस इन एमएस वर्ड सेकंड. सो लेट्स स्टार्ट. टेबल. अ टेबल इज द डेटा एंटर्स इन रो एंड कॉलम. जो टेबल है उसमें जो डेटा एंटर्स होता है रो और कॉलम के रूप में होता है. यहां पर आप टेबल मैंने क्रिएट किया है वहां से समझ सकते हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, सेक्शन हो गया और हॉबी हो गया. तो ये जो रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, हॉबी, ये कॉलम्स कहलाएंगे. और यदि इस टाइप से देखें रोल नंबर 1, 2, 3 जो लिखा हुआ है ये सभी रो हैं. मतलब इसी टाइप से अगर सीरीज बढ़ेगी, जैसे आप प्रेयर के लिए जब स्कूल में खड़े होते हैं तो 6th क्लास हो गई सपोज, फिर 7th हो गई, फिर 8th हो गई, तो 6, 7, 8 क्या हो गए, कॉलम हो गया. और जो 6th के बच्चे होंगे वो रो में अरेंज होंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे कैसे खड़े होते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है, रो. तो रो और कॉलम आपको समझ में आ गया होगा. जो दो टेबल है, अ टेबल इज द डेटा एंटर्स इन रो एंड कॉलम. जो टेबल है उसमें जो डेटा एंटर्स होता है रो और कॉलम के रूप में होता है. फॉर एग्जाम्पल टेबल ऑफ स्टूडेंट्स इन फिगर. मैंने एक जो टेबल्स बनाई है वो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो. फिर है रिकॉर्ड. द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द टेबल इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड. हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द टेबल इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड. रिकॉर्ड क्या है, जैसे अब हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये देखिए जैसे अजय हो गया है, रोल नंबर उसका 1 है, अजय हो गया, क्लास 6 हो गई, सेक्शन ए हो गया और उसकी हॉबी क्रिकेट हो गई, ये क्या है, रिकॉर्ड है. फिर कॉलम. द वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ए फील्ड. वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम का मतलब जैसे रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है और हॉबी है, ये फील्ड कहलाती है. फिर इसके बाद है सेल. द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द सेल. सेल क्या कहलाती है, ये सेल, जैसे देखेंगे आप ये है सेल, ये जो पार्ट में जैसे अजय लिखा हुआ है ये एक सेल है, एक ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है. तो रो और जो कॉलम का इंटरसेक्शन पार्ट है वो सेल कहलाता है. अब हम देखेंगे क्रिएटिंग ए टेबल, मीन्स टेबल कैसे क्रिएट करते हैं. तो अ टेबल कैन बी इंसर्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट एट एनी प्लेस वेयर द कर्सर इज पोजीशंस. मींस हमें जहां पे टेबल्स क्रिएट करना है एमएस वर्ड में वहां पे कर्सर को रखना पड़ता है. टू इंसर्ट द टेबल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप. उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. प्लेस द कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द टेबल. पहले तो हमने बताया कि कर्सर को जहां पे आपको टेबल क्रिएट करना है वहां पे रख लीजिए. फिर टेबल मेनू में जाइए और इंसर्ट्स टेबल में, इंसर्ट्स से टेबल में जाकर क्लिक करिए. मतलब इंसर्ट्स मेनू में जाएंगे और इंसर्ट्स में टेबल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. वहां पर एक बॉक्स आएगा, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम एंड एंटर नंबर ऑफ रो. वहां पर इंसर्ट टेबल का एक बॉक्स आएगा, उसमें पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इंसर्ट कराना है, तो जो भी आपको इंसर्ट कराना है वो लिख दीजिए और नंबर ऑफ रो जितने भी इंसर्ट कराना है वो लिख दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए. अ टेबल विद द गिवन नंबर ऑफ रो एंड कॉलम विल बी इंसर्टेड एट द कर्सर पोजीशन. जहां पे हमने कर्सर रखा था वहां पे वो टेबल आपकी बन जाएगी. जितने कॉलम और रो आपने इंसर्ट कराया है वो उस कर्सर के प्लेस पे आ जाएगा. फिर इसके बाद है एंट्रिंग डेटा इन द टेबल. मतलब हम अपने टेबल में डेटा कैसे एंटर करते हैं, जैसे डेटा एंटर किया है ये कैसे करते हैं. तो टू एंटर डेटा इन द सेल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप. उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. क्लिक इन द सेल जहां पर डेटा रखना है, जैसे अजय हमको रखना है तो यहां पर हम क्लिक करेंगे उस सेल में. सेल मैंने बताया आपको क्या है, वेर यू वॉन्ट टू एंटर टेक्स्ट और जो भी लिखना है लिख सकते हैं. फिर टाइप द डेटा. हाँ, डेटा का टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए नेम ऑफ द स्टूडेंट हमने लिखा तो अजय लिखेंगे. और क्लिक ऑन एनी अदर सेल और फिर इसी टाइप से हम अदर सेल पे भी कर्सर ले जाके कर सकते हैं या मूव बटन से, है ना, अप डाउन एरो की होती है उससे भी हम कर सकते हैं. तो इस टाइप से अपने टेबल्स में हम डाटा एंटर कर सकते हैं. मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल. After creating a table, you can modify it whenever you want. You can insert or delete columns and row. You can change the width of row and column also. Means हम tables create करने के बाद में उसे modify यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. तो जो हमने row और column inserts कराया था उसे हम delete भी कर सकते हैं और उसकी width भी change कर सकते हैं. Inserting row and column.
टू इंसर्ट रो एंड कॉलम फॉलो द फॉलोइंग स्टेप क्लिक द रो और कॉलम बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट न्यू रो और कॉलम फ्रॉम द टेबल मेनू सेलेक्ट इंसर्ट टेबल मेनू में जाके इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और सब मेनू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन वहां पर एक सब मेनू का एक मतलब सब मेनू में कई ऑप्शन आएंगे सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन इज फॉर योर रिक्वायरमेंट और जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस टाइप से हमें टेबल इंसर्ट हो जाएगी फिर डिलीटिंग कॉलम रो और सेल टू डिलीट रो कॉलम और सेल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप क्लिक ऑन द सेल रो और कॉलम विच यू वांट टू डिलीट यदि हम किसी रो और कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो फ्रॉम द टेबल मेनू सेलेक्ट टेबल सेलेक्ट डिलीट असम मेनू विल एपीयर चूज द ऑप्शन एज पर योर नीड तो एक सब मेनू आएगा और उसमें भी हम डिलीट सेल का एक ऑप्शन आएगा उसमें कौन सी सेल डिलीट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके और ओके करके अप्लाई कर देंगे व्हेन यू सिलेक्ट डिलीट सेल अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर वेयर यू मे सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन जो भी ऑप्शन है उससे हम जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट करके और ओके कर देंगे फिर है मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल मर्जिंग सेल इज यूज टू मर्ज और कंबाइन टू और मोर सेल इज सिंगल सेल मर्जिंग का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा सेलों को ये कंबाइन करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देता है जैसे इन द अबव थ्री सेल्स आर मर्ज टू मेक ए सिंगल सेल तीन सेल्स को मर्ज करके वो सिंगल सेल में करेगा फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू मर्ज सेल सेलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज पहले उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसको मर्ज कराना चाहते हैं फ्रॉम द टेबल मेनू सेलेक्ट मर्ज सेल द सेलेक्ट सेल विल गेट मर्ज एज ए सिंगल सेल और इसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे सिंगल सेल के लिए स्प्लिटिंग सेल इज जस्ट रिवर्स ऑफ द मर्जिंग सेल आफ्टर मर्जिंग इफ यू वांट टू स्प्लिट देम बैक इन टू और मोर सेल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप सेलेक्ट द सेल यू वांट टू स्प्लिट मतलब उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम द टेबल मेनू सेलेक्ट स्प्लिट सेल स्प्लिट डायलॉग बॉक्स गेट्स ओपन स्प्लिट सेल का बॉक्स आएगा जिसमें हम नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो करके और ओके करेंगे स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम इन विच यू वांट टू स्प्लिट द सेल एंड क्लिक ओके सेलेक्टिंग पार्ट ऑफ ए टेबल टू सेलेक्ट ए पार्ट ऑफ द टेबल क्लिक द सेल एंड ड्रैग द पॉइंटर टू द सेल रो एंड कॉलम विच यू वांट टू सेलेक्ट मींस जहां पे हमारा पॉइंटर्स होगा तो उतना सेल सेलेक्ट हो जाएगा फिर है फॉर्मेटिंग ए टेबल फॉर्मेटिंग मींस टू अप्लाई वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स टू द टेबल एंड चेंजिंग रो हाइट कॉलम विथ अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग टू द टेबल मींस फॉर्मेटिंग का मतलब है बदलना और फॉर्मेटिंग में हम अपने टेबल का जो पहले टेबल थी उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं जैसे कॉलम विथ बॉर्डर एंड शेडिंग्स एक्सेट्रा फॉर्मेटिंग कंटेंट्स ऑफ द टेबल टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इंटर्स इन द सेल इन टर्म ऑफ इट्स फॉन्ट साइज कलर एक्सेट्रा फॉलो द फॉलोइंग स्टेप सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द सेल यूज फॉर्मेटिंग टूल बार और सेलेक्ट फॉन्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉर्मेट मेनू ये कहां से होगा सब फॉर्मेट मेनू में ये ऑप्शंस अवेलेबल होगा सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट साइज एंड कलर वहां से हम फॉन्ट साइज और कलर सब सेट्स करने के बाद में ओके करेंगे फिर है चेंजिंग कॉलम विड्थ टू चेंज द कॉलम विड्थ फॉलो द फॉलोइंग स्टेप सेलेक्ट द कॉलम व्हिच कॉलम विद यू वांट टू चेंज फ्रॉम टेबल मेनू सेलेक्ट टेबल प्रॉपर्टीज अ डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले क्लिक ऑन द कॉलम टैब सेलेक्ट द प्रेफर्ड चेक बॉक्स एंटर द कॉलम विद दैट यू वांट इन इंचेस मींस कॉलम्स का बॉक्स आएगा उसमें हम इंचेस में जितना कॉलम्स रखना चाहते हैं क्लिक ओके टू अप्लाई चेंज जैसे ओके करेंगे तो वैसे उसमें चेंजेस आ जाएगा फिर चेंजिंग रो हाइट है फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू चेंजिंग द रो हाइट सेलेक्ट द रो व्हिच वांट टू चेंज फ्रॉम द टेबल मेनू सेलेक्ट टेबल प्रॉपर्टी एंड द टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन रो टैब क्लिक ऑन द स्पेसिफाई हाइट चेक बॉक्स एंड एंटर द रो हाइट क्लिक ओके टू अप्लाई चेंज वहां पर भी हम रो हाइट देखकर और ओके करेंगे तो वो रो हाइट में हमारी टेबल्स हो जाएगी फिर इसके बाद है एडिंग बॉर्डर एंड शेडिंग
By default, MS Word applies a border of 1.2 point black line border around all table cell. मतलब tables जो भी बनी होगी उसकी चारों तरफ border बनी होगी, ये होती 1 by 2 points रहती है. Select the table or the cell from the format menu. Select border and setting options from the border and setting dialog box. Click on border tab. Select a border and setting. Select the line color from the color drop down list and width from the width drop down list and okay the apply. Calculations in table. You may perform calculation on the numeric data in the table. Apply following step to find sum of value in column or a row. Click in the cell where you want the result to appear. वहां पर हम माउस पॉइंटर्स को रखेंगे जहां पर की रिजल्ट चाहते हैं. सिलेक्ट फार्मूला फ्रॉम द टेबल मेनू और टेबल मेनू से फार्मूला में जाएंगे और वहां पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा फार्मूले का. उसमें जो हम चाहते हैं वो रिक्वायरमेंट फिलिप करके अप्लाई करेंगे तो वो हमारे उस सेल पर अप्लाई हो जाएगा. फ्रॉम हियर दिस चैप्टर कंप्लीट्स एंड व्हाट एवर एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर I will read a PDF and upload it. Till then, good day. Thank you.